मैं संजीव डोगरा फ्रॉम बिजड़ डोगरा कार वैक्सेसरी बिजड़ी मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। देर रात से शिमला सहित प्रदेश के शिमला कुल्लू लाहौल स्पीति किन्नौर चंबा में भारी बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने आगामी 3 घंटे तक भारी बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। शिमला में करीब आधा फुट बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी बर्फबारी हो रही है जिससे शहर के साथ ही ऊपरी क्षेत्रों में यातायात ठप हो गया है, जिससे लोग सुबह ही पैदल ही अपने कार्य के लिए जाते नजर आए। इसके अलावा कई हिस्सों में बिजली भी गुल हो चुकी है। बर्फबारी के चलते सुबह से लोग घरों में दुबके हैं। बर्फबारी के चलते पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। तापमान के भी भारी गिरावट आई है। वहीं बर्फबारी होने से शिमला पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि वे बर्फबारी की उम्मीद लेकर ही शिमला आए थे और देर रात से ही बर्फबारी हो रही है और सुबह ही रिज मैदान पर पहुंच गए हैं। बता दें, प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। यातायात के साथ ही कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। हालांकि सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी आपका नाम? जी आपका नाम? अमित। अमित जी कहाँ से आए? दिल्ली से। इस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। लाइव स्नो हो रही है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे। आप कैमरा घुमा के दिखाइए बर्फ किस तरीके से गिर रही है, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये क्या उम्मीद थी कि बर्फबारी मिलेगी लाइव? नहीं नहीं, बिल्कुल पता था हमें बर्फबारी होगी। हम चेक करके आए थे, होटल वालों को कॉल किया था, उन्होंने बताया था कि यहाँ लाइव हो रही है इस समय बर्फबारी, उसी का आनंद लेने के लिए आए यहाँ पे। अपने फ्रेंड्स और उनको क्या मैसेज है? मैं बोलना चाहूँगा आइए यहाँ पे, मज़े कीजिए, घूमिए, अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और स्नो देखने का जो मज़ा है, लाइव स्नो देखने का, वो तो ज़बरदस्त है। जी आपका नाम? मेरा नाम टीना। टीना जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा शिमला के रिज मैदान में लाइव स्नो? बहुत अच्छा रहा है और आई थिंक मनाली से भी ज़्यादा अच्छा है शिमला का एक्सपीरियंस रहा मेरा। बट ये जो ये कर रहे हैं ना, सफाई कर रही है, सही नहीं है और ये ज़्यादा सॉफ्ट है आइस। मैं तो सोच रही घर लेके चलते हैं। उम्मीद थी कि लाइव स्नोफॉल इस तरह मिलेगा? नहीं, ये उम्मीद थी नहीं थी कि स्नो ऐसा मिलेगा, ना हल्का फुल्का होगा, लेकिन काफ़ी स्नो अच्छा हुआ है मनाली, सॉरी शिमला में, तो एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा। और जो भी नहीं आते उसको भी बोलेंगे यार आके स्नो को एंजॉय कीजिए आप, स्नो नहीं देखा तो फिर क्या देखा।